दर्शकों, आवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज सुन्नी मुस्लिम बड़ा कब्रस्तान माहिम में लाइटिंग खंभों का उद्घाटन समारोह आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोहेल खंडवानी जी दरगाह ट्रस्टी माहिम और हाजी अली दरगाह के नेतृत्व में इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ और इस प्रोग्राम में शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने शिरकत की, बब्बू खान नगर सेवक ने शिरकत की और कब्रिस्तान के बहुत से मसाइल और मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। आवामी टाइम्स रिपोर्ट। जो काम थे वो महानगर पालिका के काम थे, तो महानगर पालिका अपने फंड से काम कर रही है और जरूरत लगेगी तो सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई फंड का अरेंजमेंट करके यहाँ के काम करते रहे। बिल्कुल, अभी ISO सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे और जब कब्रिस्तान चला रहे तो उसको हम लोग का लीगल जो है वो शरीयत के तौर पर भी देखते और लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से भी देखते और जितनी सहूलत जो हो सकती है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट्स आती है उससे जो भी बेनिफिट्स हमारे को मिल सकता है। यहाँ हमारे साथ में आज वर्षा ताई है, बब्बू खान जी है, जो इतनी गवर्नमेंट से हमारे से मेहनत करके उन्होंने पहले यहाँ कुछ रोड्स का काम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ, कॉलेज का काम हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स के रेवेन्यू के हिसाब से वो भी अप्रोच हुआ गवर्नमेंट के पास, उसमें भी हमारे को काफ़ी रियायत मिली। तो जो भी यहाँ की जो तकलीफ होती है तो इमीजिएटली हम लोग इनको बताते और वो लोग सामने से हमारे लिए ये काम करके देते। तो हम लोग भी ये काम जो है इसके लिए करते हैं बिकॉज ये एक सोसाइटी के लिए, कौम के लिए काम है। लोग यहाँ आखिरी स्थान है ये लोग का, तो जितना यहाँ बेनिफिट हम दे सके, जितना इजी वे आउट कर सके उसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। सोहेल भाई, मेरा सवाल आपसे है कि मुंबई में और भी ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनको कुछ और भी मदद की ज़रूरत है, आपके अगर ट्रस्ट के रिलेटेड आएंगे क्या वो आगे आ सकते हैं और मदद के लिए? एक मुहिम भी चली थी पहले, वडाला में भी एक कब्रिस्तान का इशू चल रहा था जिसमें गवर्नमेंट से बात की थी, तो वहाँ कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है कि और काफ़ी लोग ने उसको सपोर्ट भी किया है, वहाँ भी एक कब्रिस्तान मिल रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है जो लोगों को गाइड करेंगी रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ कब्रिस्तान, गवर्नमेंट से लाइजोनिंग, बिकॉज हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग उसकी मदद करेंगे। सभी को नमस्ते। यहाँ पर हम सब लोग आज माहिम कब्रिस्तान में हैं और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे हाजी बब्बू खान सोहेल लोग यहाँ पे है और आज हम यहाँ पे जो है आपको पता है कि माहिम कब्रिस्तान का जो प्रॉपर्टी टैक्स था उसको कम करने का काम किया गया है और साथ ही साथ में बहुत सालों से यहाँ पे लाइट नहीं थी, आज उस लाइट को खंबे का जो है उसका लगाने का काम होगा, यहाँ पे लाइट का प्रावधान जो है वो करने का निर्णय जो है वो काम हो गया है। और कुछ समस्या यहाँ पे है, जैसे आपको पता है कि टॉयलेट की समस्या है और कुछ समस्या है उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में पूरी तरह से काम करने की कोशिश हमारी रहेगी, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ पे लाइट और जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको कम करने में सफल होंगे। तो वर्षा जी बताइए, ये बताइए मैम कि किस तरीके का नवीनीकरण यहाँ पे करने जा रही हैं, क्या कुछ प्लान है आगे के? नहीं बिल्कुल, यहाँ पे जैसा आप सभी को पता है कि जिस तरह से यहाँ पे कुछ शौचालय की बात मैं कर रही हूँ, कुछ टॉयलेट की बात है, तो इस सभी मुद्दे के ऊपर लगातार बात होती रहेगी और आने वाले दिनों में जो मुद्दे छूटे हैं उनको तो हमने काम कर दिया, लेकिन जो बचे हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। लोगों को सुविधाएं देना, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे ऐसी जगह है जहाँ पे सबका जीवन का सत्य है, सभी को यहीं पर अंत में आना है और ऐसी जगह में हम अगर लोगों को सुविधाएं दे सकें, एक अच्छा जो जो इनकी जो कमेटी है, जो कमेटी हमको बताती है जिस तरह से ये चीज़ें हमें चाहिए, जैसे उनको प्रॉपर्टी टैक्स का बहुत प्रॉब्लम था, जैसे उनको लाइट का प्रॉब्लम था, इसमें टॉयलेट की बात करूँ, तो उसी समय की जो जो चीज़ें हैं उसको देने का हमारा आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा ताकि लोगों को एक अच्छी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। वर्षा मैम, अगर मैं स्कूलों की बात करें, आप शिक्षण मंत्री हैं, तो मैम स्कूलों में आज से जो स्कूलें शुरू हो चुकी हैं, किस तरीके की तैयारियां स्कूलों में की गई है, जिस तरीके से ओमिक्रॉन और जो है कोरोना के जो है पेशेंट जो है काफ़ी संख्या में महाराष्ट्र और मुंबई में नज़र आ रहे हैं, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियाँ? आज मैं सुबह ही नई मुंबई जाके आई हूँ घनसोली में और सुबह 8 बजे से मैं स्कूल में जाके आई, दो स्कूल में गई, हमारे सभी अधिकारी स्कूल में जा रहे हैं और कोशिश यही है कि जब स्कूल शुरू हुए हैं तो सुरक्षित रहे, उसके लिए लगने वाली SOPs तैयार कर दी गए हैं, उसके लगे लगने वाले टीचर्स को कैसे बूस्टर डोज देना चाहिए, अलग अलग चीज़ों के मामले में जो भी बात थी वो हमने ऑलरेडी बोल दी है और इसके ऊपर निगरानी रखने की पूरी जो है वो चिंता रखने का काम स्थानीय प्रशासन को भी दिया गया है। आज सभी शिक्षण अधिकारी, सभी डेप्यूटी डायरेक्टर ज़मीन पर है और सभी बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ संवाद करके यही हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में बच्चों का कोविड की वजह से बहुत शिक्षण में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में वो नुकसान हो, इसीलिए हम कोशिश करें कि पूरी तरह से चिंता रखते हुए पूरी तरह से प्रिकॉशन लेके हम स्कूल को शुरू करें। तो आज सुबह मैं 2 दिन स्कूल को जाके आई हूँ और अभी भी मैं
हमारा कार्यक्रम जारी है, तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी आप सभी का कि आप सभी यहाँ पे आए हमसे रूबरू। मैम एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, राहुल जी की ईडी द्वारा 3 दिन से इंक्वायरी चल रही है, क्या पक्ष रखना चाहेंगी आप? नहीं, जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ बात करता है उनके ऊपर ईडी सीबीआई और अलग अलग यंत्रणाएं जो है काम करने का काम लगातार केंद्र के शासन से होता है। राहुल जी ने हमेशा ही लोगों की जनता की आवाज़ बनके लोगों के प्रश्न उठाने का काम किया, चाहे वो कोविड कार्यकाल में आपको बताया गया वैक्सीनेशन की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, आज भी वो लगातार लोगों की आवाज़ बन के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दबाने का इस देश के संविधान और इस देश की लोकशाही को कहीं लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दबाने का करने का काम जो है वो इन सरकारी यंत्रणाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि इस देश के संविधान ने जो विरोधी पक्ष है उसको जनता का दर्पण जैसे आप मीडिया है वैसा वो भी काम उनके माध्यम से होता है, लेकिन दुर्दैव से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ईडी और सरकारी यंत्रणा का वापर करके एक तरह का दबाव तंत्र जो है वो लाने का काम केंद्र की सरकार के माध्यम से मोदी सरकार के माध्यम से होता है। तो मैं यही कहूँगी अगर लोकतंत्र हमें टिकाना है, लोकशाही और हमें अगर देश का संविधान बचाना है तो हम सबको इसमें एकजुट संघ बन के आना होगा। जिस तरह से राहुल जी के ऊपर आज ये बात है, सोनिया जी के ऊपर बात है, आपको पता है केस क्या है, पीछे पुराने एकदम जमाने के कुछ केस निकाल के उनके ऊपर वो ईडी का नोटिस देने का काम होता है, आज हम देखते हैं अलग अलग लोगों को होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि ये दबाव यंत्र जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसका